तो अरे हे बाबू गुड मॉर्निंग मुंबई। तो दादा साहब चाय बना रहे हैं दूध का, देख सकते हैं आप लोग। अब चाय पियेंगे और निकलेंगे टैक्सी चलाने, तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं दृश्य वाला नज़ारा। अरे हे बाबू बने रहो। दोस्तों चाय हुई बना के पी के आ चुके हैं टैक्सी में, और टैक्सी मेरा साफ हो गया है, तब तैयार रहिए मुंबई देखने के लिए। अब हम बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं बेबी गार्डन साजिद भाई के पास, मेरे सेठ के पास। ये संडे को मैंने अपना सेठ को पैसा नहीं दिया था, पैसे का थोड़ा बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई थी, दिक्कत हो गई थी इसके लिए, तो मैंने पैसा नहीं दिया था ये संडे को। तो आज जा रहा हूँ फाइनली पैसा देने के लिए। अभी कितना लेना देना है सेठ और ड्राइवर का बात मत सुनो, तो बने रहिए वीडियो में, मुंबई का दृश्य वाला नज़ारा दिखाएंगे। और आज मैं दो ठो हैदराबाद का फ्रेंड को घुमाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में दिखाते हैं। जी हाँ, फाइनली हम बेबी गार्डन पहुँच चुके हैं और मेरा गाड़ी धुलाई हो रहा है। ये बिहारी मेरा दोस्त, मेरा बंटा, ये सबका गाड़ी धोता है और हिलाता है डंटा सूखा वाला। तो बने रहिए वीडियो में, यही है बेबी गार्डन। और साजिद भाई का एक नहीं कितने टैक्सी हैं यार, साजिद भाई गया किधर, बने रहो। तो हम फाइनली बेबी गार्डन आ चुके हैं और गाड़ी मेरा वॉश में लगा है, मतलब धुलाई में लगा है, और मेरा कस्टमर भी फ़ोन कर दिया, ब्रो किधर हो। तो दोस्तों आज जिनको हम मुंबई घुमाने वाले हैं वो अभी बोला जस्ट 10 मिनट्स ब्रो, आई एम कमिंग। मैं बोला आई विल वेट यू ब्रो, थैंक यू। जी हाँ करेंगे। और ये देखिए उन लोग को सामान गाना बजाना का डीजे वाले हैं, तो दिखा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फैशन स्ट्रीट में, फैशन स्ट्रीट कपड़ा का मार्केट है, और जो मेरा कस्टमर है वो लोग दोनों चल चुके हैं कपड़ा लेने के लिए। तो पहले उन लोगों को जब मैं शाइन में छोड़ूंगा तब मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि हैदराबाद का कौन ब्रो है जो मेरे साथ घूम रहे हैं। ये है ब्रो फैशन स्ट्रीट, और बहुत लंबा तक है, देख सकते हैं। ये अभी शॉपिंग चालू हो गया है, सब आना जाना। तो ये हो गया कपड़ा मार्केट, टी शर्ट वगैरह लड़की का, और भी आगे हैं ये देखो, पूरा कपड़ा ही कपड़ा का मार्केट है। बट मैं तो वेटिंग में हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आज़ाद मैदान, आज़ाद मैदान नहीं सॉरी, आज़ाद मैदान तो आगे है, आगे से गेट है घुसने का, उधर से आज़ाद मैदान का उधर जा सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव से जाएंगे ग्रैंड रोड, ग्रैंड रोड से जाएंगे दादर, और दादर से फिर उन लोगों को छोड़ेंगे शाहीन, तब उन लोगों को दिखाएंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मरीन ड्राइव में, देख सकते हैं पापा की परी उड़ने का तैयारी में है सब। अब आगे वाली टैक्सी में बैठ के उड़ेंगी, मेरा तो बुक है तो कोई गुंजाइश नहीं। और ये है मरीन ड्राइव का रोड, जो ओडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू एनी टाइम, आप देख सकते हैं दृश्य वाला नज़ारा है मुंबई का। और अय्याशी का यही जगह है, चुम्मा चाटी अकड़न पकड़न गला मिली सब यहाँ अवेलेबल होता है सुबह से लेकर शाम तक। बट ये पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा करते हैं तो अभी क्या कर सकते हैं मित्रों मेरे दोस्तों। तो मैं हूँ मुंबई वाला टैक्सी ड्राइवर, और देसी अमजद 85 यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि दृष्ट वाला नज़ारा सिर्फ हम ही दिखा सकते हैं मेरे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, हम हैं मुंबई वाला टैक्सी ड्राइवर और हम आ गए हैं मरीन ड्राइव से ग्रैंड रोड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। और जो साहब जी लोग गए हैं ये 3-4 लाख का इलेक्ट्रॉनिक का सामान लिए हैं, पर इस बंदा का औकात उतना नहीं है, मगर बंदे ने भरोसा किया, 4 लाख का सामान लेके अपना टैक्सी में बैठे हैं। और अभी हम ग्रैंड रोड में हैं और देख सकते हैं मेरे पीछे में देवी इलेक्ट्रॉनिक है, देखो दिख रहा है कि नहीं रे बाबा, ये देखिए देवी इलेक्ट्रॉनिक है, देख सकते हैं है ना। और यही है ग्रैंड रोड का दृश्य वाला नज़ारा। और हाँ, मैं ग्रैंड रोड का ब्रिज में, हमारे पीछे भी एक गाड़ी लगी है, इधर भी टैक्सी वगैरह लगे हैं, देख सकते हैं। और ये हमारे पीछे एक मस्जिद है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मस्जिद है। तो बस अब हम लोग यहाँ से आएगा मेरे हैदराबादी दोस्त लोग, और हम लोग चलेंगे दादर, नहीं 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 शाहीन सर्कल, जी हाँ शाहीन सर्कल हम लोग चलेंगे। फिर वहाँ से हैदराबाद का बस वो लोग पकड़ लेगा,
और हम घर आएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो, ऐसे अपने दोस्त को बोलेंगे और आप लोग को ब्लॉगिंग वीडियो दिखाएंगे। तो देसी अमजद 85 यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुंबई का दृश्य वाला नज़ारा हमसे बेस्ट और हमसे अच्छा कोई नहीं दिखा सकता, मेरी जान। दोस्तों, हमने मेरा कस्टमर को छोड़ दिया शाहीन में, वो लोग बस पकड़ के चले जाएंगे हैदराबाद, बट मैंने अपना वीडियो में नहीं डाला क्योंकि पहला मुलाकात था, तो मैं बोल नहीं पाया कि भरो एक वीडियो लूँगा, क्योंकि वो सिंगर थे, एक सिंगर, वो म्यूजिशन डीजे वाला। तो नेक्स्ट टाइम वो आने वाले हैं अगले महीना, तो उनके साथ वीडियो बनाएंगे, बट अभी हम दादर में हैं। अब जो है कि सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, सोच रहे अब घर जाएंगे, 3 बज गया है, फिर कुछ खा के निकलते हैं, फिर धंधा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं दृष्ट वाला नज़ारा। अरे ए बाबू, हम ही तो दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से सीधे घर, देखते हैं अगर दादर में कोई भाड़ा मिला तो ठीक है, नहीं तो सीधा घर। बने रहिए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं एक ज़ईफ दादी जी को हॉस्पिटल से ले आए हैं, यही बिल्डिंग की है, अभी गाड़ी से उतारेंगे उसका, अपना आदमी आ रहे हैं सब। तो हम ड्राइवर हैं, हर किसी को सेवा देते हैं। वो दादी को ड्रॉप करके जो निकले हैं, अभी हम हैं सिवड़ी में, सिवड़ी देख रहे हैं, एकदम सारस बनाया है, एकदम बड़ा, एकदम दृष्ट वाला नज़ारा। बस यही है मुंबई का खूबसूरती, कहीं भी कुछ भी बना हुआ मिल जाता है। ये है बाबा जी का घंटा जो कोई नहीं बजा सकता, डंटा। तो बने रहिए वीडियो में, दृष्ट वाला नज़ारा दिखाने वाले हैं। और मेरे मित्रों और जवानों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखें। ये है मुंबई का दृष्ट वाला नज़ारा, देख सकते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग और छोटे छोटे बिल्डिंग। और हम हैं टैक्सी ड्राइवर, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मुंबई को स्पष्ट भाषा से दिखाएंगे। और हमें लग गया है भूख, तो अब हम खाएंगे यहाँ पे ओड़ा पाव, समोसा पाव, अवेलेबल। अब हम सिवड़ी के रेलवे स्टेशन में हैं, अब हम चाय पीने आए हैं कि नाश्ता हो गया तो चाहिए गरम गरम पी ले भैया, देखा था ब्रिज। अरे मुंबई का नज़ारा हम ही दिखाएंगे राजा, ये है रेलवे स्टेशन सिवड़ी का, समझो कि नहीं समझो। हाँ बाबू ब्रो, अभी हम आ चुके हैं लाल बाग में, और यहीं से अपना ब्लॉगिंग वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मुझे दिल से गाड़ी चलाना है और आज मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो अभी आज सुबह से शुरू किया, शाम का 6 बजे तक ब्लॉगिंग किया, अभी अपलोड कर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुंबई का दृष्ट वाला नज़ारा देखो। लव यू।